उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले के थाना कोतवाली उतरौला क्षेत्र अंतर्गत लालगंज गांव में एक परिवार के 3 लोगों की संदिग्ध मौत से सनसनी फैल गई। मृतक परिवार पिछले 8 वर्षों से कोतवाली उतरौला के ग्राम लालगंज में एक किराए के मकान में रह रहा था। एक परिवार में मां, बेटा व बेटी की संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिलने से हड़कंप मच गया। पिता की हालत को नाजुक देखते हुए उपचार हेतु CHC उतरौला से संयुक्त चिकित्सालय बलरामपुर भेजा गया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। यह परिवार मध्य प्रदेश का बताया जा रहा है। उतरौला में पानीपुरी व गोलगप्पे का ठेला लगाकर अपना घटना की सूचना मिलते ही DIG देवीपाटन मंडल उपेंद्र कुमार अग्रवाल, पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार सक्सेना, उप जिला अधिकारी संतोष कुमार ओझा, क्षेत्र अधिकारी उदय राज सिंह, प्रभारी निरीक्षक संजय कुमार दुबे मौके पर पहुंचे। मामले की जांच पड़ताल में जुट गए हैं। मृतक में मां, बेटा व बेटी शामिल हैं। शुरुआती जांच में आत्महत्या अथवा घर में जलती हुई अंगीठी के धुएं की आशंका जताई जा रही है, लेकिन मामले को हर एंगल से देखा जा रहा है। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि पूरे परिवार ने एक साथ आत्महत्या कर ली है या फिर संदिग्ध परिस्थितियों में उनकी मौत हुई है। जानकारी के मुताबिक फॉरेंसिक टीम द्वारा घर के अंदर मौजूद एक एक सामान की जांच की जा रही है। और अंदर बाहर से जब आवाज लगाई तो कोई रिस्पांस नहीं, फोन का कोई रिस्पांस नहीं। फिर मैंने जब झांक करके देखा, भैया एक मिनट, सर ये रूम है, ये राइट साइड, ये लेफ्ट साइड। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।